हेलो भाई, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। जो भी बच्चे सीआईटीएस किए हैं उनके लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, क्योंकि जो है उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है उड़ीसा आईटी अनुदेशक की जो है न्यू रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकल के आ रही है। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जैसे आपको पहले से पता होगा कि अगर ये उड़ीसा स्टेट की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकालेगी है तो क्या आउट ऑफ स्टेट वाले जो बच्चे हैं, जैसे आपके छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड वाले बच्चे, वेस्ट बंगाल, क्या जो भी सीआईटीएस किए हैं तो क्या आउट ऑफ स्टेट वाले बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, वो हम जो है आगे डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे जो सीआईटीस किए हैं उनके लिए जो क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्या सिलेबस कैसा रहने वाला, पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला, टोटल सीटों की संख्या कितनी है ना, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। तो प्लीज़ जो है आप हमारे इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिए, क्योंकि जैसे आपको पता ही होगा सबसे पहले फास्ट जो अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको दिया जाता है। तो इसके लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे पहले जैसे आपको 2-3 दिन पहले ही जो है राजस्थान आईटी इंस्टीट्यूट का भी वहाँ वैकेंसी निकाली गई, तो उसको भी जाकर एक बार चेक कर सकते हैं जो भी बच्चे आईटी प्लस सीआईटीस किए हुए हैं। तो फिलहाल हम चलिए चेक करते हैं कि क्या क्या वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, अभी जो है हम लोग पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड करने के बाद जैसे आपकी स्क्रीन में आप देख सकते हैं इस टाइप का देखेगा। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं डेट जो है आज ही का डेट पे नोटिफिकेशन को पब्लिश किया गया है ना, ये था इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर। उसके बाद नीचे जब इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है वैकेंसी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड स्किल ऑफ पे है ना। नेम तो जो पोस्ट रहेगा जैसे हर एक स्टेट का अपना अपना है, जैसे अगर झारखंड में बात करो तो ट्रेनिंग ऑफिसर है, उसी तरह जो यहाँ पर जो है उड़ीसा में असिस्टेंस ट्रेनिंग ऑफिसर यहाँ पर निकाली गई। जो वैकेंसी है टोटल अगर 100 सीट माने तो उसमें जो 50% जो है बच्चे जो है आईटी वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, और 50% जो होगा आपका डिप्लोमा बीटेक वाले जो जिनके पास जो डिग्री है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसा कि राजस्थान में उसी तरह से कंडीशन है, जितना सीट निकाला गया उसमें है 50% आईटी वालों को रिजर्व रखा गया और बाद बाकी जो डिप्लोमा बीटेक वाले के लिए यहाँ पर रखा हुआ। उसके बाद यहाँ पर क्लियर मेंशन किया हुआ कि यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 9 जो है आपको यहाँ पर लेवल 9 मिलने वाला है, और जो आईटी जो है कौन कौन बच्चे ये जो है आपके पास एनटीसी आईटीआई पास होना चाहिए। उसके बाद रिलेवेंट पोस्ट में अगेंस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे डिप्लोमा वाले जिनके पास है वो AICTE प्रूफ से जो डिप्लोमा या बीटेक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो नोट करके लिखा हुआ है कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ATO मतलब असिस्टेंस ट्रेनिंग ऑफिसर पास्ट क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, मतलब कि CITS जो है उनके पास होना चाहिए एंड सर्टिफाइड एज ट्रेंड इंस्ट्रक्टर अंडर द अगेंस्ट NCVT न्यू दिल्ली। उसके बाद जो है आपको टीचिंग एक्सपीरियंस भी आपके साथ साथ होना चाहिए, वो हम आपको साथ आगे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेड वाइज यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा ट्रेड वाइज वैकेंसी पोजिशन एंड क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट ऑफ ATO है ना। इसमें पोस्ट नेम ऑफ पोस्ट या ट्रेड दिया गया, इसमें आपका ट्रेड रहेगा। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए ये क्वालिफिकेशन दिया गया है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी दिया गया है जैसा यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जितने भी बच्चे आईटी के हुए वो आईटी जो ट्रेड होता है उस आईटी ट्रेड में क्या क्या सीटों की संख्या रखा गया वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कोपा है, ड्रेस मेकिंग है, इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए जो टोटल 46 सीट है उसमें 46 में जो है आपका 15 सीट जो है वुमेन के लिए यहाँ पर रिजर्व रखा गया है ना, दिक्कत नहीं है। उसके बाद देख सकते हैं फिटर का अगर हम बात करें, फिटर में जो है फिटर का टोटल 49 सीट रखा गया, उसमें 49 में जो 17 सीट जो है वुमेन के लिए यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। उसी तरह का आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी ट्रेड है, मशीनिस्ट है, डीजल मैकेनिकल है ना, मैकेनिकल रिफ्रिजरेशन एयर कंडीशन है, प्लम्बर है, टर्नर वेल्डर, ये सारे जो है टोटल यहाँ पे टोटल 125 सीट रखा गया आईटी वाले बच्चों के लिए। उसमें जो टोटल 43 सीट जो है आपका वुमेन के लिए यहाँ पे रिजर्व रखा गया है ना। उसके साथ साथ अगर आप देख सकते हैं आगे जब यहाँ बात करें जो भी डिप्लोमा या बीटेक के हैं उनके लिए इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोपा में भर सकते हैं, ड्राफ्ट मैकेनिकल इलेक्ट्रीशियन, यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर मेंशन किया हुआ है एज लिमिट फॉर ऑल पोस्ट कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बिलो 21 साल से कम नहीं होना चाहिए, 38 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके साथ जो आपको एज रिलेक्शन भी मिल सकता है ना, इस जो गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है। उसके बाद क्लियर मेंशन किया हुआ है जो भी बच्चे जो है पार्ट टाइम जो कर रहे थे गेस्ट इंस्ट्रक्टर के रूप में उनको जो एक्स्ट्रा 10 साल का यहाँ पर रिलेक्शन मिलने वाला है, तो टेंशन नहीं लेना है। उसके साथ साथ यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं क्या जो CITs की उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है। नोट 1 में जब देखोगे तो यहाँ पे साफ दिख रहा होगा दिस एडवर्टाइजमेंट इंडिकेटिव इन नेचर एंड प्रोविजनल एज रिगार्डिंग कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी। अभी जो है केवल यहाँ पे टोटल सीट निकाली गई है, लेकिन जब इसका एक और नोटिफिकेशन निकाला जाएगा कि जो
OBC के लिए कितने सीटों की संख्या है, SC के लिए कितने सीटों की संख्या है, और जो जनरल या फिर युवा बच्चों के लिए कितने सीटों की संख्या है वो अभी निकाला नहीं गया। तो इसके लिए जो है फर्दर आप जो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट करते रहें, नहीं तो जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तब भी आपको इंपॉर्टेंट जो अपडेट वो सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो उसके बाद जो CITs यहाँ पे नेक्स्ट जब इसका एडवर्टाइजमेंट आएगा तो वहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ रहेगा प्लान पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर डिटेल्स लाइक वेटेज ऑफ CITs। जैसे CITs में जो है जो भी बच्चे CITs किए हैं उनको कितना परसेंट छूट मिलेगा या फिर कितना परसेंट रिजर्व रखा गया है, या फिर जो CITs के उनको जो है कितना परसेंट 20 मार्क्स, या फिर जैसे कि अगर हम बात करें बिहार IT इंस्ट्रक्टर में तो उसमें जो है जो भी CITs कैंडिडेट थे उनको 30% यहाँ पर रिजर्व रखा गया था। 30% आपको मार्क्स मिलने वाला, जितना आपका टोटल परसेंटेज है उसमें जो 30% आपको मार्क्स मिलना था, उसी तरह जो है आपको यहाँ भी वेटेज देखने को मिलेगा। लेकिन वेटेज क्या होगा वो आप क्लियर मेंशन नहीं किया हुआ, तो इसके लिए जो है एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है कि आप जो भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो पब्लिश इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कमीशन है ना, इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट में जो है वो सारे अपडेट दिया जाएगा। तो इसके लिए जो आप फर्दर जो है हमेशा जो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट में चेक करते रहें, नहीं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस फॉर्म को जो आप कब से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, इसका फी स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला, क्या जैसे दो स्टेज में एग्जाम होगा है ना, अगर पहला स्टेज में एग्जाम होगा तो उसमें क्या सिलेबस क्या रहने वाला है, सेकेंड स्टेज में जो आपका सिलेबस कैसा रहने वाला, सारा डिटेल्स हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे है ना। दिक्कत नहीं तब तक के लिए जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसे इसका सिलेबस क्या रहने वाला, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा ये कितने स्टेज में एग्ज़ाम होगा, मेरिट कैसे बनेगा, आउट ऑफ स्टेट वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, जितने भी आपके माइंड में डाउट आ रहे होंगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।